तो नमस्कार दोस्तों, और आज सभी का भर भर के स्वागत है, कहना चाहिए भर भर के नमस्कार है, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे रिजल्ट जो है मेरे सिस्टम पर देख सकते हैं। ये मेरा है असिस्टेंट टीचर का, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट जो है 78 लगभग जो है स्कोर कर लिया, जिसका रैंक है ORL रैंक 2492, और यहाँ पर पोस्ट कितना है 10-11 हज़ार के आसपास है। और जो मैंने लिस्ट देखा है, चलिए मैंने आपको लिस्ट भी बता दे रहा हूँ। ये देखिए असिस्टेंट टीचर का मेरिट लिस्ट है। याद रखिए, इसमें जनरल में इतने सारे ओबीसी लोग घुसे हुए हैं, देख सकते हैं न जाने कितने सारे ओबीसी, मतलब जनरल एक्चुअल में जो है उनका ना 10% भी इसमें सिलेक्शन होगा ना, तो बहुत ज़्यादा है, नहीं तो पूरे ओबीसी लोग जो है जनरल में यहाँ पर घुस जाएंगे। और इससे फायदा होगा हमको कि हमारा जो है 2492 रैंक है वो क्या है, ओवरऑल रैंक है, तो कैटेगरी में हमारा रैंक जो है मेरे को नहीं लगता कि 500 से ऊपर जाएगा करके, तो ये तो लगभग लगभग तय है। और डबल खुशखबरी ये है कि देखिए, ये जो हमारा एक और रिजल्ट है ये है टीचर का, और जिसमें इसमें हमको 80 नंबर मिले हैं, रिकॉर्ड 80 नंबर भाई। इसमें ओवरऑल रैंक हमारा 3620 है, ये भी कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो कट ऑफ रैंक गए हैं, कट ऑफ गया है वो 73 गया है, बहुत सारा वीडियो हमने देखा है। और इस तरह से देखा जाए तो हमारा सिलेक्शन इसमें पक्का है, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, ऊपर वाले की कृपा से धन्यवाद, सभी तरह से धन्यवाद। और ये सभी जो लिस्ट है मैं आपको डिसीजन में दे दूंगा, वहां से आप कैसे चेक करेंगे तो एकदम आसान है। इस प्रकार से आप जो है ना इस लिस्ट को खोल लीजिए, इसके बाद आप अपना नाम लिखिए, जैसे कि मैं यहाँ सुनील कुमार यादव ऐसे लिख रहा हूँ, आप मेरा चेक कर सकते हैं सुनील कुमार यादव नाम से। जैसे ही इंटर करेंगे तो देखिए सुनील कुमार यादव आ रहा है, और ये दो तो सुनील कुमार, ये मेरा वाला नहीं है, ये वाला है, देख लीजिए इसमें मेरा है, ये रैंक दिया हुआ है 2492, ठीक है। और दूसरा जो शिक्षक वाला जो है उसका मेरिट लिस्ट अभी सिस्टम पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर डाउनलोड करेंगे ना तो कुछ ईरर बता रहा है, तो जैसे ही ये आएगा ना तो ये मैं आपको लिस्ट में दे दूंगा। और फिलहाल जो है आप ये जो मैं दे रहा हूँ ना इस वेबसाइट से, ये देखिए इसमें टीचर का परिणाम इस प्रकार से जारी है, लेकिन तमाशा ये है कि इसको सबको एक एक बार कौन चेक करेगा, तो जब तक ये जारी नहीं होता है ना तब तक इसमें, खैर हमको तो ओवरऑल रैंक मिल गया है तो हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो इस प्रकार से सीजी व्यापम में जाइएगा, और ये बहुत ही स्लो हो गया है, और यहाँ पर अपना ना प्रोफाइल में लॉगिन कीजिएगा, और उसके बाद जो है आप क्या कीजिएगा, अपने प्रोफाइल में लॉगिन करके ये रिजल्ट वाला जो दिख रहा है ना प्रिंट रिजल्ट, उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर में ना आपका जो रिजल्ट है ना, थोड़ा सा समय लगेगा ना, आप आधा एक मिनट 1 मिनट के लगभग वेट कीजिएगा, और उसके बाद जो है ये इस प्रकार से आपका रिजल्ट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। और ये होगा, जल्दी हो ना भाई, हाँ ये हो गया। चलिए देखिए, ये इस प्रकार से रिजल्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। रुको जरा। तो दोस्तों आप लोग वही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तो ऑलरेडी जॉब में है तो फिर कैसे जो है नौकरी लग गई कह के, तो देखिए मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, और ये मेरा यहाँ पर सिलेक्शन मेरे को लगता है पक्का है और हो ही जाएगा। तो ये मेरा 8वां नहीं 9वां है, टीचर जॉब में अगर होता है ना तो ये 9वां जॉब है, जो मैंने कहना चाहिए फाइट करके नहीं ज्वाइन किया, वैसे फाइट किया ही नहीं मैं तो बस मान के चलिए। अब आप सभी लोगों को इसका टिप्स देता हूँ, कैसे करते हैं, कैसे जो है फाइट करते हैं एग्ज़ाम, या आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा था, चलो मैं भी एग्ज़ाम में बैठता हूँ, ऐसे टाइप से मैं बैठ गया था। वैसे लगभग जो एग्ज़ाम दिलाना मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ा माइंड फ्रेश होता है, और दूसरी बात ना आप जो है किसी भी चीज़ से ना टच में रहते हैं तो इसलिए भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से जो है मैंने पिछला जो सीजी प्री डीएड है वो भी मैं फाइट कर दिया था, और अभी वाला भी तो मेरा लगभग लगभग 100 से 110 नंबर जाएगा, और जो सीजी टेट था ना वो भी मैंने अभी निकला था ना उसमें 100 से ऊपर नंबर मिल चुका है मुझे। सीजी टेट जो सी टेट है सेंट्रल टेट, वो भी मैंने 110 के ऊपर नंबर जो है रिकॉर्ड जो है लाया था। तो इस तरह से टीचर एग्ज़ाम में मान के चलिए मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये जो 80 या 77 78 नंबर जो आ रहे हैं ना, ये इसलिए है क्योंकि
मैं विदाउट तैयारी के साथ जो है परीक्षाएं बैठ गया और लिख के आ गया, तो इसलिए है। नहीं तो यदि मैं दिलाऊंगा ना, पिछले बार जो है मेरा ऑलमोस्ट 90 टच कर गया था, और उसके पहले जो 2007-08 में शायद तक हुआ था शिक्षा कर्मी भर्ती हुआ था सीजी व्यापम के थ्रू, तो उसमें ही मेरे को हाँ रायपुर और सरगुजा ये दोनों जगह फिर मेरा पोस्टिंग हुआ था। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, और आप सभी का शुक्रिया जो कहना चाहिए इतना अच्छा मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी शिक्षक भर्ती के संबंध में ना याद रखिए, मुझे आप उसका ना इंसाइक्लोपीडिया समझिए, शिक्षक भर्ती मेरे को कोई जो है ना बीट नहीं कर सकता। तो शुभ रात्रि दोस्तों, थैंक यू।